तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे थंबनेल समझ के कि आज का टॉपिक क्या है। तो हाँ, फर्स्ट डोज लगा लिया बट कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो सेकंड डोज कैसे लगाएं, तो काइंड ऑफ स्कैम ही हो गया है। आई एम राहुल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली फ्रॉस्ट राहुल। और आज है सैटरडे, तो अभी मैं डॉक्टर के पास ही जा रहा हूँ ये पता करने के लिए कि अब हम क्या करें कि हमारा फर्स्ट डोज लगाऊँ अपॉइंटमेंट लेके या डॉक्टर कुछ अलग बोले कि टेस्ट वेस्ट करवाना हो, ब्लड टेस्ट, इससे पता चले कि हमने फर्स्ट डोज लगवाया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे एक बार कन्फर्म करता हूँ कि क्या करना है। तो उसी चीज़ से गवर्नमेंट एरिया है, वहाँ पे हम किसी काम से गए थे और वहीं पे हमने देखा, हमें पता चला कि यहाँ पे वैक्सीन लग रहा है। तो उस टाइम हमने उनसे पूछा कि विदाउट अपॉइंटमेंट क्या हमारा ये हो जाएगा वैक्सीनेशन। उन्होंने कहा हो जाएगा, आधार कार्ड दे दो बस हो जाएगा। अब मेरे को ये नहीं पता कि उनने आधार कार्ड की एंट्री ली नहीं ली या मोबाइल नंबर ढंग से सही से डाला नहीं डाला, क्योंकि मैं बाहर था और फादर मेरे अंदर गए थे। तो जब हमने वहाँ पे जाके, पापा ने वहाँ पे जाके चेक करवाया कि मेरे को सेकंड डोज लगवाना है, तो उन्होंने कहा कि आपका तो कोई यहाँ पे डिटेल है ही नहीं। तो इस वजह से एक सारी दिक्कतें हुई शुरू कि उनके पास, उनने साफ मना कर दिया हमारे पास कोई डिटेल नहीं है। चीज़ बताना चाहता था कि ये जो चीज़ शुरू हुई थी ये हुई कहाँ से, तो जो मतलब पूरा जो स्कैम बोलो या जो भी है ये चीज़, तो हमने जो लगाया था वो हमें एक सीजीएचएस गए थे, सीजीएचएस एक गवर्नमेंट पैनल। तो अभी हम फिर जाएंगे डॉक्टर के पास और डॉक्टर से ही कंफर्म करेंगे कि अब इसके आगे क्या करना चाहिए, और आपसे मिलता हूँ बाइक में। तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ, तो मैंने बाइक में उस टाइम व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि बैटरी नहीं है उसमें, तो उसमें बैटरी बहुत कम थी, तो मैं उस टाइम पर फिर मैंने बाइक में व्लॉग नहीं करा। सोचा घर में आके एक बार में आप लोगों से बात करूँगा। तो डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, तो डॉक्टर ने यही कहा है कि आप कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि टेस्ट में कोई पता नहीं चल पाएगा कि आपने फर्स्ट डोज लिया था या नहीं लिया था। तो वो कहते हैं आप डायरेक्टली कहीं से भी अपना दोबारा आप फर्स्ट डोज ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो वैक्सीन है वो तो सेम है, बस हमें बस ये है कि बस उस वैक्सीन से हमें दो बार डोज लेनी है। तो उनने यही कहा है कि आप अभी चले जाओ ऐसे, अगर उन पर अगर दोबारा देख लो जहाँ से आपने पहले लगाया था, अगर उन पर अभी भी डिटेल नहीं मिलती तो आप डायरेक्टली फर्स्ट डोज ही लगा लेना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए वो ऑफिशियली फर्स्ट डोज होगी बट आपके लिए अनऑफिशियली वो सेकंड डोज ही होगी। सो ये उस टाइम पे मेरे को दिमाग में नहीं आया था कि चीज़ तो एक ही है और वैक्सीन तो एक ही है, बस हमें दो बार लगाना है, अब उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी हम वैक्सीन लगाने ही जा रहे हैं। तो जिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता थी उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा इससे, कि अगर आपका किसी तरीके से किसी स्कैम बोलो या किसी भी तरीके से आपका इस तरीके से फर्स्ट डॉक्यूमेंट, आपका फर्स्ट डोज का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और आप कैसे करके लगा सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि आपको डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आप डायरेक्टली दोबारा फर्स्ट डोज के लिए ऑफिशियल अपॉइंटमेंट के थ्रू हम बुक कर सकते हैं या जो भी होगा। और उस टाइम थोड़ा ध्यान रखना कि आपके फ़ोन पे वो आ जाए, क्योंकि कोविड शील्ड पे उसके आ जाते हैं नंबर और आपका एक सर्टिफिकेशन मिल जाता है आपको। तो आप मेक श्योर करना कि आपको सर्टिफिकेशन मिल जाए, तो वही आपका सबसे बेस्ट प्रूफ रहेगा। तो अभी मैं निकलता हूँ और आपसे दोबारा मिलता हूँ बाइक पे, क्योंकि मेरे को जाना है वैक्सीन सेंटर पापा का वैक्सीन लगवाने, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ बाइक पे। आ चुका हूँ घर में और हमने जाके वैक्सीनेशन लगवा ली है। मैंने सब कुछ जो अपना था वो मोटो ब्लॉग में बताया था, बट पता नहीं माइक में कुछ इशू आ गया था, तो मैं पूरा अपने मोटो ब्लॉग में कुछ भी आपको जो भी बता रहा था वो कोई भी मतलब ऑडिबल बिल्कुल सही नहीं था उसका। तो मेरे को दोबारा आके यहाँ पे छत में आके मैं दोबारा ब्लॉग कर रहा हूँ, दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ कि वहाँ पर एग्जैक्ट हुआ क्या था। तो हम वहाँ पर गए वैक्सीन सेंटर में और हमने वहाँ पे टोकन चल रहा था, टोकन सिस्टम सबके लिए, जिनने अपॉइंटमेंट लिया है जिनने नहीं लिया, मम्मी के लिए हमने अपॉइंटमेंट ले रखा था, ठीक है, फादर के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, हमने देखा था कि अगर वहाँ पे कुछ लग जाए हमारा, जैसे फर्स्ट डोज के टाइम गए थे हमारा दुकान लग जाए तो हम वही ट्राई कर रहे थे। हम वहाँ पहुँचे, हमने जब फादर का उनने नंबर डाला तो उनको दोबारा नहीं मिला, तो फिर मैं दोबारा गया, मैंने चेक करवाया, तो मैंने फादर का सेम डेट पे बोला और नंबर दोबारा चेक कराया, तो वहाँ पे जो है वो ये कि नंबर जो है वो गलत उन लोगों ने डाल रखा था, फादर का नेम सही था, आ रखा था, सब कुछ सही था, बट वहाँ पे उन लोगों ने फ़ोन नंबर गलत डाल रखा था जिसकी वजह से वो आ नहीं रहा था पूरी डिटेल। तो फादर का वहाँ वैक्सीनेशन हो गया था, ये जस्ट वहाँ पे सेंटर वालों की एक मिस्टेक के वजह से ये सारी दिक्कतें शुरू हुई। अगर सोचिए अगर हम वहाँ उस सेंटर में दोबारा नहीं जाते तो क्या होता,
हम कहीं और जाते, हमें कहीं और से फिर दोबारा फॉल्स डोज लगाना पड़ता। तो वैसे ये चीज़ तो थोड़ी अलग हुई हमारे साथ। अगर आपके साथ जैसे सेम सिनेरियो होता कि फर्स्ट डोज आपने लगाया बट कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप उसमें घबराइए मत। आप डायरेक्टली कोई भी दूसरे सेंटर से या ऑफिशियली दोबारा एक आप दूसरे नंबर से कर सकते हो, कह सकते हो। अगर ऐसी दिक्कत हुई तो आप दूसरे नंबर या अनऑफिशियली जैसे भी आपको सही लगे, आप दोबारा एक और डोज एड ऑन कर लेना। और आपको खुद पता है वो सेकेंड डोज से, पर दूसरों जो वहाँ के सेंटर होंगे उन्हें तो लगेगा कि आप फर्स्ट डोज ही ले रहे हो। तो ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी। मैंने भी सोचा है कि वैसे तो कि मैं न्यू डेली व्लॉग करता रहूं, बट अभी तो डेली एकदम व्लॉग हो नहीं पाएगा, शायद 2 दिन का गैप रहे, बट मैं ट्राई करता रहूँगा कि डेली व्लॉग भी मैं स्टार्ट कर पाऊँ। तो इस व्लॉग को फिर यहीं पर एंड करते हैं और आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले व्लॉग में, एक न्यू व्लॉग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। सो तब तक के लिए ड्राइव सेफ, गुड बाय, साइनिंग ऑफ।